Hey guys, how are you? Welcome to my channel. I Devesh Shah, present before you, Pune Metro Vlog 21. अभी इस व्लॉग में हम पुणे मेट्रो के रीच 4 सेक्शन को विजिट करेंगे जो अंडरग्राउंड है और ओल्ड सिटी एरिया में से गुजरता है। अभी इस सेक्शन के लिए 5 स्टेशन है, नेमली शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन, सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन, बुधवार पेट और कस्बा पेट मेट्रो स्टेशन, मंडई मेट्रो स्टेशन एंड स्वारगेट मेट्रो स्टेशन। अभी लास्ट ईयर कस्बा पेट मेट्रो स्टेशन के लिए बहुत बड़ी लड़ाई या प्रोटेस्ट हो गया था रेजिडेंट्स के साथ। एक्चुअली महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को कस्बा पेट मेट्रो स्टेशन के लिए कुछ कुछ लोग को रिहैबिलिटेट करना पड़ता या रीलोकेट करना पड़ता, जैसे कि 200 टू 250 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, देन 28 टू 30 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स एंड 6 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, इन सबको रीलोकेट करना पड़ता। सो इन सभी रेजिडेंट्स ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया और फाइनली महाराष्ट्र मेट्रो को ये स्टेशन की जगह चेंज करनी पड़ी और एक कॉरपोरेशन रन स्कूल में डालना पड़ा जो अभी बंद हो चुका है और डेमोलिश भी हो चुका है। सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इस व्लॉग में मैं आपको सभी स्टेशन का डिटेल प्रोग्रेस दिखाऊंगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्टली साइट पर चलते हैं। सो लेट्स गो। अभी हम शिवाजी नगर के पास है, शिमला ऑफिस चौक। आगे बढ़ते हैं। ये शिवाजी नगर का जो एरिया है बहुत ही क्राउडेड एरिया है क्योंकि इधर रेलवे भी है, फिर बसेस भी है, ट्रेन भी, सब कुछ है इधर, और अब मेट्रो भी आ जाएगी। इधर बहुत सारी एसटी की बसेस आती रहती है क्योंकि इधर एसटी स्टैंड है जो दिसंबर में शिफ्ट किया जाएगा वाकड़ेवाड़ी को। ये देखिए, इधर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बहुत सारे बैरिकेड्स है, और थोड़ा सा अंदर देखने की कोशिश करते हैं। और वो पिलिंग रिग करेंटली वो अभी काम कर रहा है, बहुत ही शॉप्स के क्लोज है वो। सो पता नहीं वो शॉप्स के सेफ्टी ऑडिट किया होगा, और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये एसटी स्टैंड, इधर ये एसटी स्टैंड शिफ्ट किया जाएगा, इसके बराबर नीचे ही मेट्रो स्टेशन है। सो इसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, फिर इधर ट्रैफिक थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ये हम पीछे की साइड है। अभी ये पूरा एरिया बैरिकेड किया गया है और इधर वन वे टू वे वैसा किया गया है, डाइवर्जेंस किए गए हैं बहुत सारे। इधर अंदर जाने की अनुमति नहीं है, पर इधर अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए काम किया जा रहा है। इधर शिवाजी नगर में एक मल्टी मॉडल हब बनने वाला है जिधर भी अभी बैरिकेडिंग दे सकते हैं हम लोग। ये मल्टी मॉडल हब क्या रहता है? अब इस मल्टी मॉडल हब में सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेट किया जाता है, जैसे कि मेट्रो होगा या रेलवे होगा या बस सर्विस होगा। अब इधर शिवाजी नगर के केस में इधर मेट्रो भी आने वाली है, फिर इधर ऑलरेडी रेलवे स्टेशन भी है, फिर इधर MSRTC का बस स्टैंड है, फिर PMPML का भी बस स्टैंड है। सो इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा सो दैट द ट्रैफिक रिड्यूसेस ओवर हियर, ट्रैफिक का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा इधर। बहुत ही बड़ा अच्छा रहेगा, एक बड़ी बिल्डिंग के जैसा रहेगा, फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी रहेगा उसमें। ये जिधर भी आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, और शिवाजी नगर एसटी स्टैंड का जो प्लॉट है उधर मेन काम होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पुणे मेट्रो ने पब्लिश किया था अंदर का व्यू। अब नेक्स्ट स्टेशन है सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ये मनपा के पास है, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वो तीन खंबे जैसी चीज़ जो आप देख रहे हैं वो उसे पिलिंग रिग बोलते हैं, उधर ही स्टेशन आने वाला है। ये गुलेरमार्ग TPL पुणे मेट्रो जॉइंट वेंचर बना रहा है पूरा अंडरग्राउंड सेक्शन। ये देखिए, इधर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और इधर भी शिवाजी नगर के जैसे मल्टी मॉडल हब ही आने वाला है, इधर भी मेट्रो और बस का इंटीग्रेशन होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखिए, इधर नो एंट्री का साइन है, पर तो भी इधर कोई फॉलो नहीं करता है, ये सब लोग आते जाते रहते हैं। वो देखिए, उधर एक पिलिंग रिग है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट का गेट है, वो ही पिलिंग रिग है, और ये आधे रास्ते को बैरिकेड किया गया है जैसे कि हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये गेट महा मेट्रो लिखा है उसके ऊपर, और इधर लिखा है रेड में नो एंट्री विदाउट प्रायर परमिशन। इधर सब लोग एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही एंटर कर सकता है। और उधर तीन पिलिंग रिग है जो हमने डेंगले ब्रिज से देखे थे। ये बहुत ही अच्छा और नीट और क्लीन वर्क दिख रहा है मुझे। इसका अंदर का व्यू भी दिखाता हूँ आपको, पुणे मेट्रो ने पब्लिश किया है ट्विटर अकाउंट पर।
ये अंदर का व्यू है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और अब तीसरा स्टेशन आता है बुधवार पेट या कस्बा पेट मेट्रो स्टेशन। इस स्टेशन की लोकेशन ढूंढते ढूंढते मुझे पूरा एक घंटा लग गया, बिकॉज ये बहुत ही अंदर अंदर है सिटी एरिया में। ये फड़के हाउथ के पास है। जैसे अभी अंदर की बात करें तो देखिए इधर एक पिलिंग रिग है और एक ट्रक भी दिख रही है मुझे इधर से। ये स्कूल को डेमोलिश किया जा रहा है अभी, या हो चुका है पता नहीं, अंदर जा नहीं सकते, अनुमति नहीं है। दिस इज़ क्लोज राइट नाउ। बहुत ही अच्छा दिख रहा है एंड बहुत ही बड़ा स्टेशन रहने वाला है और लोगों को इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। ये जो लाल कलर का पिलिंग रिग है उसे महामेट्रो अंदर कैसे लेके आई वो मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज द रोड्स आर वेरी नैरो भैया। ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है अंदर का व्यू। और अब आता है चौथा स्टेशन, मंडे मेट्रो स्टेशन। ये मंडे एरिया जो है पुणे का वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड मार्केट प्लेसेस है। इधर दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको रीजनेबल रेट्स पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं इधर कार्स का बहुत बड़ा ट्रैफिक हो गया है, बिकॉज इन सबको पार्किंग करनी है इधर पार्किंग लॉट में। ये मंडे में सब कुछ मिल जाएगा, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, पूजा का सामान हो, कुछ भी हो, सब कुछ मिलता है इधर रीजनेबल रेट्स पर। ये देखिए इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और सब कुछ भेज रहे हैं लोग। और अभी हम मेट्रो कंस्ट्रक्शन के साइट पर आ चुके हैं। ये जो साइट है इधर पहले झुनका भाकर केंद्र था, ये बहुत ही पुराना केंद्र है, इधर झुनका भाकर मिलता था और बहुत ही अच्छा था। अभी इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया टेम्परेरीली और इधर अभी मेट्रो स्टेशन आएगा। ये अंदर से थोड़ा व्यू है, अंदर जाने की अनुमति नहीं बिकॉज सिक्योरिटी सिटिंग राइट देयर इन द ग्रीन जैकेट। और ये देखिए इधर मार्केट प्लेस है। ये मंडे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जब मेट्रो इधर अराइव हो जाएगी, लोग डायरेक्टली आ सकते इधर। अब आता है रीच 4 का फिफ्थ और फाइनल स्टेशन, स्वारगेट मेट्रो स्टेशन। ये पुणे मेट्रो का सबसे क्रूशियल और सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। इधर रोड के दोनों साइड को 15-20 फ्लोर की दो बिल्डिंग्स आएगी और ये बिल्डिंग्स में PMPML, MSRTC, देन ओला उबेर, रिक्शास, साइकिल शेयरिंग, उसके बाद रहेगा तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, सब कुछ रहेगा इन शॉर्ट। एंड रोड ट्रैफिक बहुत कंसिडरेबली कम हो जाएगा और ऊपर जो दो फ्लाईओवर्स है मेरे पीछे वो फ्लाईओवर्स को भी कनेक्ट किया जाएगा ये मल्टी मॉडल हब, बहुत ही अच्छा रहेगा। और अभी जो ये ट्रैफिक हो रहा है इधर वो सब नहीं रहेगा। ये है PMPML बस स्टैंड के साइड में। ये देखिए ये अंदर का व्यू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं थोड़ी सी। ये शाफ्ट का काम चालू है अभी करंटली इधर। ये शाफ्ट से TBMs को लोअर किया जाएगा और अंडरग्राउंड मेट्रो का टनलिंग का काम शुरू हो जाएगा। सो बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये सब, बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है। सब स्टेशन का काम बहुत ही नीट एंड क्लीन है, अच्छे से बैरिकेडिंग की गई है। और ये देखिए ये स्वारगेट मल्टी मॉडल हब के ऊपर एक बोर्ड लगा है बड़ा सा इसके। और ये है साइड गेट जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। और ये जेदे चौक पर है, इधर से भी आपको दिखाता हूँ व्यू। ये जो शाफ्ट बनाया जा रहा है वो कंट्रोल ब्लास्टिंग मेथड से बनाया जा रहा है। सो अब हम सारा प्रोग्रेस देखकर आ चुके हैं पुणे मेट्रो रीच 4 का जो अंडरग्राउंड है। अभी देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन सभी स्टेशन पर काम शुरू हो चुका है नियरली। मंडे मेट्रो स्टेशन पर भी काम शुरू हो रहा है, उसका बेस वर्क ही चालू है। सो बहुत ही अच्छी बात है एंड इट इज़ वेरी यूनिक दैट मेट्रो ओल्ड सिटी एरिया के नीचे से जा रही है, ऐसा किसको लगेगा भी नहीं। एंड इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर द बिजनेसेस इन द ओल्ड सिटी एरिया। And right now the old city area is literally inaccessible because inefficiency of PMPML and traffic jams and parking problems and etc. और दगडूशेठ गणपति की वजह से ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम होता है। सो वंस द मेट्रो अराइव्स ओवर देयर इट विल बी अ ग्रेट रिलीफ फॉर द डेली कम्यूटर्स। सो मेरा ये वीडियो तो पुणे मेट्रो रीच 4 अंडरग्राउंड सेक्शन पे था और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पुणे मेट्रो के बारे में सब बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएगा
उस पर बेस्ड रहेगा, जैसे कितना किलोमीटर्स है, कौन से स्टेशन है एंड ऑल दैट, कितना प्रोग्रेस हो चुका है. सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू लाइक माई चैनल ऑल्सो द कंटेंट ऑफ माई चैनल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन. थैंक यू.